Let us start with lines and angles. Okay, तो इसको चेक करो जरा, कैसे हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे. एंगल के बारे में तो आई थिंक आप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा. मैं रिवीजन सेशन ले रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हमने लास्ट में भी किए थे. ठीक, तो आप जानते हैं दिस इज रे ए बी एंड दिस इज रे ए सी. जो ए बी से ए सी तक की डिफ्लेक्शन है, ठीक, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं. एंड दिस रे ए बी इज कॉल्ड आर्म एंड दिस रे ए सी इज ऑल्सो कॉल्ड आर्म. ये हमारे पास दो एंगल्स की आर्म्स होती हैं. इस एंगल को बच्चे इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है बी ए सी, इस एंगल को इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है सी ए बी, और इस एंगल को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एंगल ए. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट वेन वी आर डीलिंग विद प्रैक्टिकल्स, तो हम प्रैक्टिकल में इसको सीधे नंबर ले देते हैं. लेट दिस वन बी एंगल वन. ये जो आपके पास है ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है. और एंगल की मेजरमेंट का हमारे पास जो यूनिट है आज की डेट में वो है डिग्री. और डिग्री हम 90, जो एक राइट एंगल होता है उसको कितने डिग्री का मानते हैं, राइट एंगल. ठीक, यानी 90 डिग्री का एंगल मानते हैं. और आप सबको पता है कि कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना हो जाता है, 160. अगर जल्दी जल्दी में बताऊं तो आपके पास वन इज कॉल्ड एब्ट्यूज, अनदर इज कॉल्ड अक्यूट. अक्यूट मींस लेस देन 90, एब्ट्यूज मींस मोर देन 90, और एक आपके पास राइट एंगल दैट मींस इक्वल टू 90. अक्यूट लेस देन 90, एब्ट्यूज मोर देन 90, राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा, 90. जल्दी जल्दी से देखते जाइएगा. वन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल. हाँ, मैसेज करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाते रहिए. व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री. ओके, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन. नेक्स्ट वन, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा. एक हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री. तो कंप्लीमेंट्री को हम बोलते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होगा, 90, और ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा, 100 एंड क्या होगा, 80. ओके, एक हमारे पास आता है बच्चे एडजेसेंट. और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पड़ोसी एंगल. ठीक, जैसे एक एंगल आपके पास ये है, अगर उसी के साथ ये वाला एंगल आ जाए 1, 2, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट्स. ठीक, या 2 और 3 को हम क्या बोल देते हैं, एडजेसेंट एंगल बोल देते हैं. 1 और 3 एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में कौन आ गया है, 2 आ गया है. तो ये एडजेसेंट एंगल्स की कैटेगरीज में नहीं आते. आगे चलते हैं हम, लीनियर पेयर. आई थिंक आप सब जानते हैं व्हाट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब होता है बच्चे, जब आप एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक एंगल जनरेट करें तो ये जो दो एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर की ये स्पेशलिटी होती है कि दोनों एंगल्स का सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 180. अगर मैं इसको एक्स और वाई मानता हूं तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा. नेक्स्ट, वी ओ ए. मैंने उस दिन मजाक में कहा था वाओ, हमने इसको कहा था वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो इसमें एक जनरल प्रॉपर्टी है, प्रूफ भी की थी हमने, कि दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट, प्रूव्ड पार्ट है बच्चे. एंड दिस रेड एंड दिस आर इक्वल, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और ये अंडरस्टूड है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जब भी हम इसको किसी भी रेफरेंस में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. ओके, आपका ये टॉपिक जो हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे बड़ा प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल मैं क्यों बोल रहा हूं,
क्योंकि इसमें हम जितना भी कुछ करेंगे ना वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। ओके कैसे दिखाई देगा, अभी जैसे मैं कुछ एंगल्स पे आऊंगा आपके पास कि किस किस तरह से हम एंगल्स को क्या करते हैं, जज करते हैं। अब जैसे देखिए एमसीक्यू बना के दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन। ओके एंड हियर इज पॉइंट ओ, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके हेयर इज एंगल एक्स, हेयर इज एंगल जेड, हेयर इज एंगल डब्ल्यू एंड हेयर इज एंगल वाई। ओके आपको बच्चे ये कहा गया कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन फुलफिल होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस टू जेड, एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस या डी नन ऑफ दिस। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो भी चीज आपको करवाई है आपके पास पोल आ रहा है, जस्ट फिल योर आंसर इन द पोल। जो भी आपको इसमें ठीक लगे। हाँ मैंने आपको एक चीज दी है ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, बस वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ऑप्शन पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए ये है बच्चे ए ओ बी, ए ओ एंड बी स्ट्रेट लाइन है। नाउ इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है बच्चे वाई और ये क्या है एक्स, तो एक्स प्लस वाई लीनियर पेयर हुआ। ओके दूसरी तरफ आ जाइए, डब्ल्यू प्लस जेड भी क्या हुआ लीनियर पेयर हुआ, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें ट्रू फॉर्म में चला जाएगा। अब देखते हैं पब्लिक पोल क्या आया है, बाकी सब तो नॉर्मल ही हैं बच्चे, ये डी वाले को कॉन्ग्रेट्स। ठीक है बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी, आप इसमें साथ जाएंगे एंड यू विल गेट। अच्छा अब आइए हमारे पास जो एंगल की बेसिक ज्योमेट्री आती है बच्चे, वो आती है कि व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसने इनको क्या कर इंटरसेक्ट कर, तो यू विल फाइंड दैट कि आपके पास यहां टोटल अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस में करूं तो टोटल एट एंगल्स प्रिपेयर होते हैं, ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूं। हाँ अगर प्रूव करने की बात आएगी तो हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक इनमें कुछ रिलेशंस हैं बच्चे, अब जैसे मैं लिखूंगा वन एंड फाइव, आपको मैं आपको सबको ओपन करूंगा, आपने बताना है कि इन एंगल्स को हम मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं। हाँ जी व्हाट वी कॉल इट corresponding angle।
वेरी गुड, आप सबको पता है कि दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि बच्चे दे आर इक्वल इन पेयर्स, यानी वन इज इक्वल टू क्या होगा फाइव, टू इज इक्वल टू क्या होगा सिक्स, थ्री इज इक्वल टू क्या होगा सेवन, फोर इज इक्वल टू क्या होगा एट, वी कैन प्रूव इट। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास जो हम इसमें पेयरिंग देख पा रहे हैं, तो दूसरी पेयरिंग हमारे पास ये आ जाती है बच्चे, दैट इज थ्री एंड फाइव, फोर एंड सिक्स। हाँ जी, व्हाट वी कॉल इट, इनको हम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं बच्चे। इनका भी वही होता है कि दे आर इक्वल इन पेयर्स। अच्छा एक और देख लीजिए, वन एंड सेवन, टू एंड एट, हाँ जी इनको क्या बोले, हम इनको ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और इनमें भी वही चीज होती है जो आप क्या करते हैं इक्वालिटी होल्ड करवाते हैं वन एंड सेवन। अब थोड़ा सा चेंज होगा बच्चे, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, एंगल फोर एंड एंगल फाइव। यस, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं कि वी कैन से एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, 180। ये हमारे पास इनकी क्या होती है प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को क्या कर जाते हैं सॉल्व करते आते हैं, जैसे हम इनमें हमारे पास डिफाइन। अब जैसे देखिएगा, इफ आई हैव वन, हाँ इनको कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं बच्चे, टू थ्री, वन ट्रांसवर्सल लाइन इज देयर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री एंगल्स, प्लीज क्या बोलेंगे हम इनको, वन टू एंड थ्री तीनों को corresponding yes, इनको हम बोलते हैं बच्चे corresponding angles, and we can say इसमें क्या होने वाला है, वन इज इक्वल टू टू एंड टू इज इक्वल टू थ्री। कौन से एंगल हो गए ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चलिएगा, लीजिए पोल आ रहा है, कॉपी पेन रेडी रखिए, इन्हीं को देखते हुए कुछ ना कुछ नया करने जा रहे हैं। दीज आर थ्री पैरेलल लाइंस, दिस इज 90। इफ वी ज्वाइन इट, दिस इज कॉल्ड जेड, इसको हम क्या बोलेंगे, 55। दिस इज कॉल्ड वाई एंड दिस इज कॉल्ड एक्स। नाउ माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक आ गया दूसरा अपने आप आ जाएगा। पहले वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते, यस रैश्री वेरी गुड, बहुत अच्छे,
एक बच्चे देखिए, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं. सी दिस वन, एंगल वाई एंड एंगल 55, दे आर को इंटीरियर, जिसको अभी अभी आपने डिफाइन किया था. तो दैट मीन्स वाई प्लस 55 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के. तो वाई की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे 125. अब अगर वाई 125 है तो नेचुरल है एक्स भी कितना होगा, 125 ही होगा. अब रही बात किसकी, जेड की. बिकॉज ये टोटल 90 डिग्री है तो जेड तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, 35 एंगल में क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा. कोई डाउट किसी को? नो. चलिए ठीक. यस बच्चे, यस युवांग. सर यहाँ पे सर क्या कहते हैं, यहाँ पे सर अपने z की वैल्यू 35 कैसे लिखी सर, वो नहीं समझ आया. बच्चे ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये लाइन इसको 90 पे डिवाइड करती है. तो इसका मतलब इस एंगल का सम भी कितना होगा, 90 होगा ना. बिकॉज ये 90 है, इन दोनों का सम 180 था, तो इस एंगल का सम भी कितना होगा, 90. तो इसलिए मैंने लिख दिया z प्लस 55 इज इक्वल टू क्या होगा, 90. तो z की वैल्यू आ गई. ओके सर. यस जल्दी से. सर आपने बताया तो मैंने z की वैल्यू 35 निकाल दी. फिर सर ऐसे कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की थ्योरम से मैंने y की वैल्यू भी 35 निकाल दी बिकॉज़ ट्रांसवर्स. नो, वो गड़बड़ हो जाएगा. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं बनेंगे जब वो पैरेलल चलता है ना बच्चे. तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये होता है, ये और ये, आपका ये एंगल एक लाइन के साथ रुक गया है, तो इनको आप अल्टरनेटिव नहीं बोल सकते. हाँ, ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल 125 होगा, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव. ओके सर. ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती कर गए आप. आगे चलते हैं. आप देखते जाइएगा, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल सभी के लिए. ओके, पैरेलल लाइन्स हैं. हियर इज एनी पॉइंट, यहां से एक इस तरह से फॉर्मेशन आई, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड 80 डिग्री. जब हम इस को कन्फाइन करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई. ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स. और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 65. हाँ जी, अवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. आप भी ट्राई कीजिए, फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे. वेरी गुड बच्चे, हरजाप, प्रभात, निमित. अब जो बच्चा भी कह रहा था, अब देखिए, अब ये अल्टरनेटिव एंगल वाला होगा. नोटिस कीजिए इस बात को, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, और ये लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है. तो दैट मींस दिस 80 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स प्लस 65. तो इसका मतलब आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी. अब एक चीज और नोट कीजिए, ये 80 है तो लीनियर पेयर की वजह से ये एंगल कितना होगा, 100. अब 100 प्लस 15, 115, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65. वैसे वाई की वैल्यू अल्टरनेटिव एंगल से भी हो सकती. ओके, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. दिस 65 इज इक्वल टू. अच्छा, आप कोई भी अप्रोच ले लें, आपके पास उस एंगल की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी. गॉट इट? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास इसमें बनते हैं. हाँ, आप उसको कितना पॉजिटिवली अप्लाई कर पाते हो बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन है. अब थोड़ा सा लेंथी करूंगा बच्चे क्वेश्चंस.
लाइंस सारी की सारी पैरेलल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव, ओके चेक कीजिए। मैं इन एंगल्स को नाम दे रहा हूं बच्चे, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, ठीक, एंगल फोर, एंगल फाइव। आपको जस्ट ये दिया हुआ है, ये जो आपका एंगल है एंगल टू, दिस इज इक्वल टू 55। एंगल फोर आपको दिया हुआ है 60, और बाकी के एंगल हमने फाइंड आउट कर। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए वेरी गुड तन्नो, बहुत अच्छे। पहले एंगल फाइव को पकड़िए, बड़ा सिंपल सा आंसर है। हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे एंगल फाइव की वैल्यू क्या लिखी। 120 डिग्री। वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू एंगल 120। ओके, हुआ ना ये एंगल, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 120। ये बात तो हो गई खत्म। अब आ जाइए, आपकी हेल्प लूंगा बच्चे, मैं यहां कुछ नहीं करने वाला, आपसे ही करवाऊंगा, ठीक। अब आप में से किसी बच्चे ने कहा कि एंगल थ्री इज इक्वल टू 60, हाँ जी, कैसे करेंगे, कोई भी मेरे को गाइड करना चाहे, एनीवन। हेलो, यस यस प्लीज, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से होगा। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे, वेरी गुड, आपने इसको बड़ा अच्छा और लॉजिकली पकड़ा। देखिए ये लाइन और ये लाइन, मैंने कहा था शायद मैं पैरेलल बताना भूल गया, तो ये लाइंस आपकी उनको इंटरसेक्ट करी, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हुआ, तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल चला गया, 60 के। चलिए वो भी हो गया ठीक। अब टू आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, अब बात आती है किसके लिए, वन के लिए, प्लीज कोई भी। जो बताना चाहे कि हम ऐसे करें, यस सर, 105 डिग्री होगा इसका आंसर, क्योंकि एंगल 2 से पहले वाले जो एंगल होगा 60 से 55 करेंगे तो 105 होगा, और एंगल 1 उससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से 105 डिग्री होगा। देखिए एक चीज आप सबके साथ मैं ऐसे शेयर करना चाहता हूं, इस लाइन को अगर मैं ऐसे कर देता, ठीक, तो ये लाइन और ये लाइन हो जाती पैरेलल, ये एंगल क्या था 60, तो ये वाला पूरा एंगल होता 120, होता ना। 120 में से 55 क्या कर दे, माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाता 65। अब आप इस पे फोकस कीजिए, आपका मेथड और भी हो सकता है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर पैरेलल, ये लाइन जा रही है
तो इस 65 और इसका सम 180 होगा। तो बच्चे एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 100 एंड क्या है 15 आएगी, नॉट 105। कट इट। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे जाके क्या करना है, थिंक करना है, क्योंकि एमसीक्यू में आएंगे बच्चे तो हम जल्दबाजी में कुछ गलती भी कर सकते हैं, बट हमें कोई गलती ऐसी करनी नहीं है। हाँ, इसके और भी मेथड होंगे, ठीक है, बट हमारा तो ये है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सही बनना चाहिए। ओके, अब थोड़े से डिफिकल्ट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, हियर इज अ ट्रेंड। और इस ट्रायंगल में बच्चे ये है P, दिस इज Q एंड दिस इज R। Q से यहां चलिए, दिस इज T। P से हम इस तरफ आए, दिस इज S। ये वाला एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज 40 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। हम किस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बाय, चलिए हाँ जो भी आपको अच्छा, इसका मीनिंग पता है क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल मींस ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जो भी प्रॉपर्टीज आपने सीखी हैं, कुछ इधर से कुछ उधर से, हम वो सारी लगाएंगे। वेरी गुड प्रभात, निमित, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। हार्दिक वेरी गुड, तनु देखिए सबसे पहले आप ये चेक कीजिए जो आप कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है। नाउ इफ यू विल सी दिस ट्रायंगल, ठीक, इस ट्रायंगल में बच्चे ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 50 डिग्री, समझ रहे हो ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। अब ट्रायंगल की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करते हैं, अब मैं इस ट्रायंगल में आया, याद कीजिए एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब 30 प्लस 50, वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 80 के इक्वल। गॉट द आंसर, है ना उसी फ्रेम में। तो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। इसमें अलग तरह के वेज भी हो सकते हैं बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपने इसको एक किसी और तरीके से जनरेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और भी किया जा सकता है इसको, तो हम ये नहीं कहते कि हाँ एक से ही होगा, आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी आपके पास हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलता हूं, क्योंकि हमने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया इसमें, तो लेट अस स्टार्ट। ट्रायंगल
ट्राइंगल, ठीक, दिस एंगल इज 110, दिस एंगल इज 125, दिस इज एंगल जेड, दिस एंगल इज 25, दिस एंगल इज वाई एंड दिस एंगल इज एक्स. हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन दिस पर्टिकुलर केस. चलिए करिए ट्राई, फिर मैं भी कोशिश करूंगा हेल्प करने की. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया. हाँ, गलत ठीक तो वो तो बाद की बात है बच्चे, पहले तो हमारे पास ये है कि हमें सॉल्व करना आना चाहिए. अच्छा, मैं पहले आपको जस्टिफाई कर रहा हूं कि क्या क्या आंसर होंगे. 55 होगा, एक 30 होगा और एक क्या होगा, 80 होगा. अब कैसे कैसे होंगे अभी देखिए, कौन 80 होगा, कौन 55 होगा, कौन क्या होगा. ओके, हाँ जी नियति, करो स्टार्ट. सर, सबसे पहले हम वाई की वैल्यू से शुरू करेंगे. सर, हम देख सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है 125 प्लस 25 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज़ दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. यस सर, ऐसे हमारा वाई आ जाता है 30 डिग्री. 30 डिग्री, वेरी गुड. तो एक वाई तो गया, तो इसका मतलब ये वाई 30 हो गया. यस सर. ओके सर, हाँ जी सर, अब हम बाहर देख सकते हैं 110 डिग्री. तो लीनियर पेयर से जो अंदर वाला एंगल आता है, ये वाला एंगल आ जाता है 70. और सर ट्रायंगल बनता है, तो 70 प्लस जेड प्लस 30 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. बिल्कुल सर, जेड की आ जाती है वैल्यू 80 डिग्री. 80 डिग्री, वेरी गुड. और सर फिर हम जो जेड के साथ जो लीनियर पेयर बनाता है उसको आता है 100 डिग्री लीनियर पेयर से. और सर ऐसी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एक्स की वैल्यू आ जाती है 55. अब देखो ये फिर से नीचे वाली ट्रायंगल में आ गए, तो इस ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 होना चाहिए तीनों का सम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 55. तो ये आपके तीनों एंगल्स का क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया. ठीक, बट ये आपको बच्चे पहले पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जनरेट करने जा रहे हैं. हाँ, जहां तक आपके पास प्रॉपर्टीज की बात है कि किस प्रॉपर्टीज में कौन सा क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है. गॉट इट. हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा बच्चे. अगर आपको किसी को लगता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में या इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आती है तो यू मे आस्क.
अगर किसी को भी लगता है कि उसको इस प्रॉपर्टी में या इस प्रॉपर्टी में इसके क्वेश्चंस में, अच्छा क्योंकि प्रैक्टिकल हो गया है तो अब प्रूफ वाले क्वेश्चन तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो उसमें तो हम चलेंगे। चलो यस एंजल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट इसमें। यस सर, इसमें जहाँ पे पी और टी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पी और टी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ओ नेम देकर, सर पहले ओ की पी और टी की वैल्यू निकाल ली उसके बाद वर्टिकल अपोजिट करके निकाल के इसकी ओ, हाँ कर सकते हैं। देखो ये भी 90 होगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 60, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 80, बिल्कुल निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने ऐसे आंसर आ गया तो इसलिए पूछ रही थी। नहीं नहीं वो तो बच्चे यहाँ ना मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अल्टरनेटिव मेथड लिखते रहते हैं, ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है, आ सकते हैं अल्टरनेटिव, क्या दिक्कत है, मतलब कोई और मेथड से आप कर सकते, ठीक। यस बच्चे, हाँ जिसकी भी प्रॉब्लम हो अभी आप पूछ सकते हैं मेरे से, लाइन एंड एंगल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे सर जो अभी आपने क्वेश्चन कराया सर उसमें थोड़ा सा डाउट था। सर उसमें मुझे समझ नहीं आया कि सर आपने वाई की वैल्यू सर कैसे निकाली, सर बाकी सब मुझे एक्चुअली से समझ आ गया। अच्छा ये समझ नहीं आया तो फिर आगे कैसे चलेगा, अब देखिए ये जो पूरा एंगल है बच्चे ये लीनियर पेयर है ना, मींस स्ट्रेट एंगल है ना 180, इसमें टू एंगल्स की वैल्यू दी हुई है 120 एंड 25, तो दोनों का सम कितना हुआ 50, अगर दोनों का सम 50 हो गया तो इसका मतलब ये जो बीच वाला एंगल है ये कितने डिग्री का बचा, 30 डिग्री का। ओके सर, थैंक यू सर। तो बस उसके बाद फिर दे देना दन दे, आगे काम शुरू हो गया, एंगल्स एंगल्स एंगल्स, ओके फॉर्मेशन आ गया। अच्छा एक बिल्कुल एक आप सबसे क्वेश्चन पूछना है ध्यान से, मैं सभी को ओपन करूंगा, देखते हैं किसका पहले आंसर आए, ओरली यू हैव टू टेल मी। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर निकाला और इस एंगल का भी बाइसेक्टर लगाया, ये दोनों एंगल ये दोनों कहीं पे मैच कर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, नाइंटी डिग्री, दैट्स ग्रेट, ओके और एक चीज आपको याद होगी कि अगर मैं यहां से भी निकालूं और यहां से भी निकालूं तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाते हैं 90, ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है 90, ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है 90, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है, ठीक है, इसको याद रखना, इसी में हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेशन, ठीक, तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन। यस तन सर, मेरे को ये पूछना था कि जो एक्स एंगल है वो 90 डिग्री कैसे हुआ। हाँ बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, अब ये देखो इसका सम और इसका सम क्या होता है 180 होता है ना। यस सर, तो 180 होता है, तो ये पहले का हाफ है ये दूसरे का हाफ है, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना रह जाएगा 90 रह जाएगा, 90, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो बस फिर ये तीसरा एंगल कितना रह गया 90 डिग्री। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम लाइन एंड एंगल्स का क्लोजर करते हैं, ठीक,
और मेरी मेमोरी भी फुल हो गया है, आईपैड कह रहा है अभी आप थोड़ा सा डिलीट करो, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप इस टॉपिक को और अच्छी तरह से करें, ठीक।